हर हर महादेव। देखिए सतीश सिंह क्षत्रिय हैं, जिला मधुबनी बिहार से। इनका प्रश्न है कि मेरा ग्राम में जो पूर्वज हैं हमारे, वो 200 साल पहले एक ही गोत्र के हैं, 200 साल से उस गांव में हैं, सबको पता है। आज के दिन में करीब 200 घर हो गए हैं। समस्या ये है कि घर में किसी के जलना शौच, किसी के मरना शौच लगा रहता है, तो पूजा पाठ मांगल के इत्यादि कार्य में बहुत असुविधा होती है। तो आपसे ये आग्रह है कि आप बताएं कि कितनी पीढ़ी तक हमारे परिवार में अशौच, जलना शौच या मरना शौच रहेगा, कितने लोग ये पूजा पाठ कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, ये बतलावें। कि गाँव में ऐसा देखा जाता है कि लोगों को इतिहास पता होता है कि हमारे एक कोई पूर्वज हैं और उन्हीं के हम सब ये पूरा गांव हैं। तो अब क्या करें, कैसे में क्या व्यवस्था की जाए? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों के कार्य का है, उपयोगी है। तो धर्म सिंधु के तृतीय परिच्छेद में उत्तरार्ध में जहां पर अशौच निर्णय है वहां बतला रहे हैं। देखें ये कह रहे हैं, कूटस्थम आरभ्य सप्त पुरुष पर्यंताः सपिंडाः। जो कोई व्यक्ति है जिससे उसके बेटे इत्यादि होते गए हैं, तो जहां जो इनके भी पिता का और इनके भी पिता का एक कोई पिता था, उसको कूटस्थ कहते, जहां से जो लोग फिर अलग अलग हुए, तो वो जो कूटस्थ है वहां से 7 पीढ़ी आगे तक, जैसे कोई व्यक्ति है उसके आगे 2 बेटे हैं, तो एक बेटे का जो है एक वंश परंपरा चलने लगी, दूसरे बेटे की अलग वंश परंपरा चलने लगी, पर इन दोनों बेटों का जो मुख्य पिता था वो कहलाता कूटस्थ। तो कूटस्थ से लेकर के 7 पीढ़ी आगे तक के लोगों को सापिंड कहते हैं, सपिंड कहते हैं, सपिंडा तथा सप्त समानोदका। और उससे आगे 7 तक, कूटस्थ से 14 पीढ़ी तक और सपिंडों से आगे 7 तक के लोगों को समानोदक कहते हैं या सोदक भी कहते हैं। तथा सप्तैक विंशत पर्यंता सगोत्रा। और उससे आगे यानी 14 से आगे 21 तक, 21 पीढ़ी तक सगोत्रता कहलाती है, सगोत्र कहलाते हैं। तो अब इनके अशौच का निर्णय बताते हैं, तत्र सपिंडानाम दशाहम इत्युक्तम। तो 7 पीढ़ी तक किसी के कोई जन्म होता है, कोई मरता है, वहां से लेकर के 7 पीढ़ी तक, तो 10 दिन का अशौच लगता है। हो सकता है कि पिता 7 पीढ़ी में आ रहा हो और पुत्र पे वो जो 8वीं पीढ़ी लगी जाए, तो पिता तक को 10 दिन का रहेगा और वो सोदक में आ जाएगा तो उसको 3 दिन का रहेगा। देखिए तथा सप्त समानोदकाः, और समानोदक को 7 दिन का अशौच लगता है। सोदकानाम त्रिरात्रम। देखिए हाँ, तत्र सपिंडानाम दशाहम इत्युक्तम। और उससे आगे जो 7 पीढ़ी है सोदक से, सगोत्र से आगे, सापिंड से आगे, पहले तो सपिंड 7 पीढ़ी तक, उससे 7 पीढ़ी सगोत्र सोदक, तो उन सोदकों को कह रहे हैं सोदकानाम त्रिरात्रम। सोदकों को 3 रात्रि का अशौच लगता है। और सगोत्राणाम मेक रात्रम। और सगोत्र यानी 14 पीढ़ी से 15 से लेकर के और 21 पीढ़ी तक की जो जो भी पीढ़ियां हैं, उन सभी लोगों को 1 दिन का अशौच लगता है। फिर सुनिए आप दोबारा कि 7 पीढ़ी तक के लोगों को सापिंड कहते हैं, सपिंड कहते हैं, उनको 10 दिन का अशौच लगता है। 7 से आगे 14 तक के यानी 8 से लेकर के 14 तक की ये जो 7 पीढ़ियां हैं, इनका नाम सोदक है, इनको 3 दिन का अशौच लगता है। और 15 से लेकर के 21 तक आगे की जो पीढ़ियां हैं उनको
एक दिन का आशौच लगता है, उनको सगोत्र कहते हैं। ये मत जो है नागोजी भट्टी है, ये मत नागोजी भट्ट जी का ये जो ग्रंथ है आशौच निर्णय, उसमें लिखा हुआ है, ये धर्म सिंधुकार कहते हैं। और किसी का मत कुछ अलग भी है, कहते हैं कि अन्येतु सगोत्राणाम ना शौचम इत्याहु। कुछ लोग कहते हैं कि जो 15 पीढ़ी से आगे और 21 पीढ़ी तक की जो बात है, जिसको आप एक दिन की कह रहे हैं, उनको अशौच नहीं होता है, उनको सद्या शौच होता है, ये विकल्प है। 14 पीढ़ी तक तो होता ही होता है, 7 पीढ़ी तक पूरा अशौच, 7-10 दिन का और उससे आगे 3 दिन का, वो खंडा शौच कहलाता है, छोटा जो 3 दिन का होता है। अयम सपिंड शोधकाद्या शौच विभागो जनने मरणे च समाना। ये जो विभाग किया है कि सापिंड 14-7 पीढ़ी तक, फिर आगे शोधक, फिर सगोत्रता, ये जनना शौच और मरणा शौच में दोनों में ही समान है ये व्यवस्था। और कह रहे हैं कि मरण में एक बात विशेष है, क्या कि मरणे तु अशौच विच्छेदेपि स्नान मात्रम यावत देख कुलत्व ज्ञानम तावत भवत्येव इति विशेषः। बोले किसी का मरणा शौच हो अपने परिवार में और ये पता हो कि ये हमारे ही कुल के हैं, हमारे ही गोत्र के हैं, हमारे ही जो वंशज हैं, जैसे आपने प्रश्न किया है तो पता है कि ये सब हमारे ही लोग हैं, तो अशौच विच्छेदेपि, अशौच आप तो मान रहे या तो 14 तक या एक दिन का भी लग रहा है तो 21 पीढ़ी तक, तो 15 से है अथवा 22 इत्यादि से है, तो उन लोगों को भी अपने परिवार में जिनका ज्ञान है कि जिनका हमारा कभी संबंध था, ये हम लोग एक ही थे, एक ही किसी महापुरुष से हुए हैं, तो वे लोग भी इतना जरूर करें कि स्नान मात्र करें, जो ऐसे ही सुनेंगे वैसा शौच लगेगा और केवल स्नान कर लें शुद्ध हो जाएंगे, यही बात कही। मरणेतु ये सब जनना शौच में नहीं होगा, कोई जन्मा तब नहीं, मरणेतु अशौच अशौच विच्छेदेपि, अशौच का जो नियम बतलाया वो छूट भी गया तब भी स्नान मात्रम, स्नान मात्र तो करना पड़ेगा। यावत एक कुलत्व ज्ञानम, जब तक ये ज्ञान है कि ये हमारा ये एक कुल है तब तक भवती है वह, ये तो होना ही चाहिए। इति विशेषः, ये विशेष बात इसमें बतलाई गई है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई मानने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने बताया कि 200 वर्ष पहले हमारे पूर्वज आए थे, तो उसमें आप 8 पीढ़ी जो जो लोग आपके यहाँ 8-7 पीढ़ी के अंतर्गत आते हों तो उनका पूरा अशौच मनाइए, और 8 से लेकर के 14 हों तो वहाँ तक के जो 3 दिन का मना लीजिए, और बाकी का मरण इत्यादि में स्नान कर लीजिए, और जन्ना शौच में आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जन्ना शौच में तो वो 10 पीढ़ी 14 पीढ़ी तक की वो ही व्यवस्था रहेगी, आगे के लोग अपना कार्य विवाह आदि सब कार्य कर सकते हैं। हर हर महादेव। ये निर्णय जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्णों के लिए है और कलयुग में सर्वमान्य है, सार्वकालिक और सार्वदेशीय है, इसको सब लोग मान सकते हैं, कोई भी इसमें ऐसा भेद नहीं है। ठीक है जी। हर हर महादेव।